तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर और वेलकम बैक टू एसपी लाइफ। तो गाइस, ये रहा मेरा आज का टॉपिक। जानते हो क्या टॉपिक है आज भाई? मेरे को खुद में ही कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छा जागा है, क्योंकि आज मेरा डेली ब्लॉगिंग का 365 दिन पूरा हो चुका है गाइस। 365 दिन डेली ब्लॉगिंग का, विदाउट चैलेंज, विदाउट दिखावा, विदाउट कुछ। 365 दिन मैं आज तक डेली डाल चुका हूँ। सब करते भाई 75 डेज चैलेंज, 365 डेज चैलेंज, वैसा कुछ नहीं चला है मेरा। बस 365 दिन शुरुआत से लेकर चल दिया, चलता गया चलता गया, और आज है मेरा 365वां दिन डेली ब्लॉगिंग का। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार, इंतजार नहीं भाई, ये टफ चीज़ है जो पूरा कर लिया तो भाई खुद में खुशी है। भले ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन खुद में हमको खुशी है कि 365 दिन हम ब्लॉग डाल चुके हैं यूट्यूब पर। और भाई यूट्यूब पर बता दो तो 1 साल का मेरा ये जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही खास रहा है। एक साल का जर्नी, सबसे पहला जर्नी यूट्यूब का, तो उसी यही जर्नी को थोड़ा सा अच्छा अच्छा पार्ट को भाई हम बताते हैं इस ब्लॉग में। इस वजह से आज हम ये ब्लॉग डेली ब्लॉगिंग का आज हम छोड़ दिए। आज हम ये ब्लॉग रखे हैं पूरा अपने लाइफस्टाइल, जो हम 1 साल किए पहले, क्या किए, कैसे किए, क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्या नहीं आया, ये सब कुछ भाई बताने वाले हैं। बस तो बने रहो ब्लॉग पे और भाई टोटल बात सुनो। तो गैस सही, सबसे पहले बता दूँ तो इस चैनल का नाम पहले एसपी लाइफ नहीं था, इस चैनल का नाम पहले इंडियन स्पाइडी था। पहले स्पाइडरमैन का ये मेन चैनल था, फिर स्पाइडरमैन का ये मेन चैनल में भाई दिक्कत ये आने लगा कि उसमें काम बहुत ज़्यादा था, और उस समय काम के हिसाब से, उस समय क्या बोले, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा था, लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा था। मतलब देखने भाई वीडियो तो अच्छा लगता ही था सबको, मगर क्या बोलूँ, सबसे मेन दिक्कत पड़ जाता था भाई हेल्थ। इस वजह से क्योंकि अपने पास स्कूटी था, स्कूटी से भाई डेली जाना, क्योंकि स्पाइडरमैन तो मैं नहीं बनता था भाई, मेरा एक दोस्त बनता था, वो नहीं बताने कहता तो मैं रिवील नहीं करता हूँ। तो दोस्त बनता था तो उसके पास जाना, उसे बदलवाना, फिर जाना कहीं स्कूटी से, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ता है ये स्पाइडरमैन कंटेंट। ऐसा नहीं है कि हम आगे जाकर, आज भी भाई एक कमेंट आया स्पाइडरमैन कंटेंट क्यों बंद कर दिए, तो भाई हम ही समझ सकते थे क्यों बंद किए, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे कि बंद कर दिए। कंटेंट आएगा एज ए प्रैंक, आएगा आगे भी आएगा, लेकिन भाई उसमें चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, मेन प्रॉब्लम यही है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा और चाहिए वो कंटेंट को चलाने के लिए। इस वजह से बंद किया हूँ, आगे जाकर वो भी बढ़िया सा आएगा, क्योंकि वो भाई इंटरेस्टिंग कंटेंट था, वो हमको ही मज़ा आता था बनाने में, सही बता रहा हूँ। फिर भाई शुरू हुआ आज के दिन मेरा डेली ब्लॉगिंग शुरू, जो शुरुआत में चलता था भाई 4-4 मिनट का, 4-4 मिनट का बनाते थे, कुछ कंटेंट ही नहीं मिलता था भाई पहले। मतलब जैसा अभी चल रहा वैसा वो 1 साल पहले था, बात अलग था। तो सिर्फ मेंटेलिटी का कि हमको लोगों को दिखाना है कि कुछ कंटेंट भाई लाओ, तो कुछ खास हो तभी दिखाओ, कुछ खास हो तभी दिखाओ, लेकिन डेली ब्लॉगिंग ऐसे नहीं चलता है। डेली ब्लॉगिंग खुद के ऊपर है, तुम जो भी कर रहे हो वो चीज़ दिखाओ। ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आएगा, लेकिन जिनको पसंद आएगा वो सब्सक्राइब करेंगे आपको। तो वैसे ही मेरा भी चला, जिनको जिनको पसंद आया वो सब्सक्राइब करते, जिनको नहीं पसंद आया वो अनसब्सक्राइब ही रखते हैं। तो गैस आज से डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, 2 महीना तक 4-4 मिनट का वीडियो डालते थे। उस समय मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, उस समय मेरा 2000 बस वॉच टाइम हुआ था। और फिर तो शुरुआत का बता दो, जो 4-4 मिनट का वीडियो डालता था, कुछ कंटेंट ही नहीं मिलता था, 1 मंथ हो गया था, 1 मंथ तक 4-4 मिनट, 5-5 मिनट ऐसे ही बनाता था, कभी कभार 8-8 मिनट, कभी कभार 10 मिनट, कुछ अच्छा कंटेंट हुआ तो हाँ 10-12 मिनट तो दिखाने लायक हुआ तो हो जाता था, लेकिन फिर भाई मेन मतलब एवरेज चलता था वही 5-4 मिनट ही। तो भाई सबसे बड़ा दिक्कत आता था जानते हो क्या, मेंटेलिटी का। मेंटेलिटी हम सोचते थे कि लोग डेली व्लॉगिंग वही दिखाना चाहिए जो लोग देखना पसंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर सोचा भाई नहीं, तुम जो हो वही दिखाओ और उस हिसाब से तुमको पब्लिक सब्सक्राइब करेगा और वही आपका देखना पसंद करेगा। क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, हर बहुत सारे कंटेंट है दुनिया में, सबको अलग अलग पसंद आता है, सबको किसी को अच्छा पसंद आता है, किसी को गंदा कंटेंट, किसी को वल्गैरिटी वाला पसंद आता है, किसी को ये, तो सबका वही अलग अलग कंटेंट है, तो सबको अलग अलग सोच है, उसी हिसाब से पसंद आता है। तो भाई मेरा वही डेली ब्लॉगिंग उतना शरीफ वाला भी नहीं होता है, मतलब फैमिली ब्लॉग कहेंगे 75%,
और 25% दोस्ती वाला ज़्यादा चलता है मेरा, तो 75 नहीं 50-50 ले लो, ज़्यादा दोस्ती का भी चलता है मेरा और फैमिली ब्लॉग भी चलता है ऐसे। अभी आएगा ज़्यादा ठंडा में फैमिली ब्लॉग, तो बस उसके बाद फिर भाई अपना कॉन्फिडेंस, अपना वो बांध को हटाएं कि 4 मिनट नहीं अब डालना ही है, 8 मिनट से पार का वीडियो तो कैसे भी डालना ही है, बस ले लिए, कुछ भी बोलना है कुछ भी करना है लेकिन 8 मिनट ज़्यादा का वीडियो डालना ही डालना है, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो डालोगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना यूट्यूब पे वो मिलता है रीच। रीच बोला जाता है भाई कि 8 मिनट से जब ऊपर ही वीडियो डालो तो ही भाई तुम्हारा रीच मिलेगा, नहीं तो बहुत शॉर्ट वीडियो का ना उतना रीच नहीं फिर पहुँचता है, मिनिमम 8 मिनट। तो बस डालना शुरू कर दिया, 8 से 10 मिनट के बीच में मेरा सारा ब्लॉग रहता है, देखो जाके 8 से 10 मिनट के बीच में बहुत कुछ अच्छा दिखाने को रहता है, तो फिर 14-15-16 चला जाता है लेकिन नीचे नहीं जाता भाई, नीचे नहीं जाता है। तो बस उस समय से हम मतलब ये जब हम चैलेंज हम खुद का नहीं कर रहे हैं, जब करना शुरू कर देते 2-3 दिन हो रहा है ना तो भाई खुद ही एक ऐसा हो जा रहा है ना कि हमको खुद ही बनते जा रहा है, मतलब 8 मिनट का वीडियो कि अब इतना आदत हो गया तो खुद ही बनते जा रहा है, ऐसा नहीं कि डेली ये चैलेंज कर रहा हूँ तो एक दिन हो गया 2 दिन बीत गया कट कट कर रहा हूँ कैलेंडर कट कट, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस करता जा रहा हूँ तो करता जा रहा हूँ, और वैसे ही भाई करते करते आज मेरा 1 साल हो गया, ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए तो है भाई। अब पता नहीं आप लोग क्या है कि मेरे लिए भाई बहुत खुशी की बात है कि 365 दिन हम डेली व्लॉग कर पाए, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, प्रॉब्लम्स आते थे लेकिन सब चीज़ को ओवर कर कम करके मैं 1 साल तक वीडियो डालता रहा और आगे भी डालता रहूँगा, क्योंकि सही बताओ तो गाइस ग्रोथ का आप बात करें थोड़ा सा तो ग्रोथ मेरा हुआ कि मोनेटाइज भाई जब डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो कम से कम 4 मंथ के बाद मेरा मोनेटाइज हो गया, मतलब मेरा तो चैनल मोनेटाइज हो गया 8 मंथ में ही, बहुत भाई ये बड़ा बात है। बहुत लोगों का भाई देखो मेहनत सबसे ज़्यादा चीज़ होता है और किस्मत भी डिपेंड करता है भाई, यूट्यूब में किस्मत भी बोलेंगे क्योंकि मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, हम भी कर रहे हैं बहुत लोग कर रहे हैं मेहनत, लेकिन भाई किस्मत भी एक चीज़ होता है कि खुद से कैसे रीच पकड़े, रीच किसका भाई कहाँ भगा देगा किसको कुछ नहीं मालूम, तो भाई रीच के लिए भाई अभी भी संघर्ष चल रहा है, मेहनत तो अपना चलता है रोज। और क्या बात कर रहा था, ग्रोथ का, हाँ ग्रोथ का है भाई कि मेरा डेली ब्लॉगिंग के बाद सब्सक्राइबर बहुत कम आए हैं, हाँ क्योंकि इतना अच्छा है इतना लाइफस्टाइल वैसा भी नहीं है मेरा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जो लोग देखे, इस वजह से शायद से सब्सक्राइबर मेरे अभी तक बहुत कम बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरे को खुद में एक कॉन्फिडेंस है, मेरे मतलब सेल्फ बिल्ड सबसे अभी शुरुआती दौर में सेल्फ बिल्ड जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको फायदा का चीज़ है, तुरंत ग्रोथ भी आदमी को ये करता है बर्बाद करता है, खुद को बिल्ड नहीं कर पाता है इसीलिए बता रहा हूँ। तो 1 साल में भाई एडिटिंग बहुत सीखा बहुत ये किया, फिर भी ऐसा करते करते अभी तो भाई बहुत बढ़िया कर लिया हूँ एडिटिंग अपना, मतलब सीखता रहा हूँ सीखता रहा हूँ सीखता रहूँ, ग्रोथ नहीं मिला तो भी सीखता रहा हूँ, ग्रोथ है भाई ऐसा कि अपना हो चुका है आज 2630 सब्सक्राइबर, 2630 सब्सक्राइबर, ठीक है भाई 1 साल हुआ है, 1 साल में 2630 बहुत ज़्यादा होता है सब्सक्राइबर मेरे लिए तो भाई, हाँ ठीक है कि अभी ठीक चल रहा है यूट्यूब मेरा, पता नहीं कब बैड फेज दिखा था, वैसे बैड फेज अभी व्यूज़ में चल रहा होगा, व्यूज़ में पता नहीं क्या हो गया अचानक से, मेरा 100 से व्यूज़ कभी कम नहीं जाता था लेकिन ये 2 मंथ से भाई यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं कर रहा कोई वीडियो मेरा, पता नहीं क्या हो गया, तो इसकी वजह से भाई बहुत कम व्यू जा रहा है, यहाँ तक कि 50-30 तक भी जा रहा है, सोचो इतना कम व्यू जा रहा है अचानक से। तो और पैसा का बात कर ले तो गाइज इनकम ठीक ठाक है, अभी मोनेटाइज हुए मेरे 6-7-8 महीना हो चुका है, पर इनकम उस हिसाब से तो भाई शुरुआती हिसाब से थोड़ा सा ठीक है, अब 1 साल में भाई मोनेटाइज हो जाता चैनल वही बहुत बड़ी बात है, इनकम का तो भाई कोई सोचता भी नहीं, 1 साल में मोनेटाइज हो गया है और इनकम भी थोड़ा सा आ चुका है, मतलब मेरे पास नहीं आया जमा है अभी यूट्यूब में क्योंकि इनकम अभी निकालने लायक नहीं हुआ, तो वो जमा है और वो भी चल रहा है, तो वह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो भाई बहुत बड़ी बात है कि इनकम भी मेरा जनरेट हो गया और 1 साल और मेरा मैं खुद को बनाया, इनकम भी हल्का बनाया, हल्का एकदम हल्का बनाया, मोनेटाइज हो गया चैनल, ये 3 चीज़ तो भाई हो गया, अब मेरा बस पाँच चलता है कि मेहनत करते जाना और अब ग्रोथ दिखाए यूट्यूब के हाथों या फिर भगवान के हाथों,
अब बस यही बची है मेरा लाइफ में, या फिर देखो अब इंटरेस्टिंग कंटेंट कुछ और भी लाते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिप ये सब का तो आता है, फोटोग्राफी ये सब का भी अब थोड़ा सा ज़्यादा डालना शुरू करते हैं। फोटोग्राफी हम यूट्यूब पर नहीं डालते हैं, यही बात है मेन शायद से, तो देखते हैं फोटोग्राफी भी हम यूट्यूब पर हल्का फुल्का डालते हैं, अब देखते हैं उससे ग्रोथ होता है या नहीं। तो गैस एक साल में अब क्या क्या मिला मुझे मैं बता रहा हूँ। सबसे भाई जरूरी है एक साल में तो मेरा पुराना दोस्ती, ये एक साल जो काम आया ना, सब बोलते भाई दोस्त ऐसे हैं दोस्त ऐसे हैं, दोस्त मतलब ये दोस्त ऐसा नहीं, जो ऐसा सोचता भाई वो खुद पहले होता है, वो खुद दोस्ती नहीं निभाता है। जैसे मेरे तरफ से अपने दोस्तों के लिए 100% रहता है, तो मैं बस इतना ध्यान दिया हूँ कि उनके तरफ से भी मेरे लिए 100% रहता है। कहीं कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी दोस्ती भाई मेरा अभी सबसे ज़्यादा काम आया है ये एक साल के ब्लॉग में, दोस्ती सबसे ज़्यादा काम। फैमिलीज़ तो भाई बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फैमिलीज हमेशा ही काम आती है, फैमिलीज तो भाई सबसे ऊपर होता है, लेकिन मेरे दोस्त है जो वो अलग फैमिली है, वो अलग ही काम आते हैं मेरे। सही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ब्लॉग जाके देखो मेरे दोस्ती में पूरा मेरा 50% बोला ना भाई दोस्ती ज़्यादा ब्लॉग है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे दोस्ती है ना कि उनका तो तारीफ करना भाई बनता है। सही बता रहा हूँ, फाड़ दोस्त बनाया मैंने, फाड़ ये एक साल में सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को दोस्ती में ही है यूट्यूब में। तो गाइस बस ऐसा रहे भाई अपना सफ़र, और बैड फेस का बात नहीं करेंगे क्योंकि बैड फेस का बात करना ही मेरे लिए ये है, क्योंकि हम कभी भी देखोगे, हमको कभी भी देखोगे या ब्लॉग में कभी भी रोना धोना नहीं चलता मेरा, कभी भी इमोशनल मोमेंट नहीं चलता मेरा, क्योंकि भाई स्ट्रांग है, रोना धोना क्यों करना है, इतना छोटा छोटा बात में इतना ये रिएक्ट वेक्ट नहीं करते हैं, अपना बस चल रहा है काम तो बस कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। रॉन्ग फेज है उसको दिखाते नहीं है, लेकिन है सबके लाइफ में होता, सबके लाइफ में होता है, ऐसा नहीं कि मेरा अलग है, बस वही है कि हम बता पा रहे तो अलग नहीं है, सबके लाइफ में बैड फेज होते हैं, सबका भाई चलता है बैड फेज, ऐसा नहीं कि मेरा भी था, मेरा भी है भी कह सकते हैं, वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ब्लॉग में हम हंसते खेलते रहते तो भाई सब कुछ सही चल रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबके होते हैं, मेरे भी हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी जो चल रहा है भाई ब्लॉग वो चल ही रहा है, तो बस एक साल मेरा आज कंप्लीट हो गया, इस चीज़ का खुशी मनाने के लिए केक वेक तो नहीं काटेंगे, ग्रोथ होता तो अगर यूट्यूब का इनकम आता तो ज़रूर काट देते तो बस आज के ब्लॉग को मतलब आज के जो आज बस मेन इसी बात पे ब्लॉग था भाई कि मेरा एक साल पूरा हो गया, तो खुद में एक खुशी था, तो बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा तो बस बोल दिया। तो बताओ कैसा लगता है मेरा एक साल से ब्लॉगिंग, आप लोग सब्सक्राइबर्स हो तो अच्छा ही लगता होगा भाई आप लोग को, क्योंकि भाई नेगेटिव कमेंट्स लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम ऐसा ही भाई ब्लॉग बनाते हैं, तो हम ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि देखो ही देखो, अच्छे भी कंटेंट आएंगे आगे, और जो बने रहते हो भाई उनको लिए तो भाई दिल से थैंक यू बोलूँगा ही, जो एक साल से मेरे साथ हो, जो मेरे साथ हो, मेरे सब्सक्राइब किए हो चैनल को, मेरे वीडियोस को देखते हो, उनको भाई दिल से धन्यवाद। बस आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो, एक दिन एसपी बहुत ऊपर जाएगा। चलो ब्लॉग को एंड करते गाइस, दिखाते रहो प्यार ऐसे ही एसपी लाइफ को, आप लोग हैं तो एसपी लाइफ है। चलो बाय बाय, आप लोग को बढ़िया कंटेंट दिखाना मेरा काम है, आगे आएगा जब ज़्यादा पैसा होगा, कंटेंट इज अबाउट मनी ऑल्सो, सबसे मेन जरूरी चीज़ है भाई मनी, मनी भी मांगता ही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मांगता, ब्लॉगिंग कर रहे हो तो कुछ काम नहीं है, ब्लॉगिंग में भी पैसा लगता है गैस, इन्वेस्टमेंट इसमें भी है। तो गैस बस जो भी कर रहे हो डेली ब्लॉगिंग करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो बस, मेहनत रखो, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी देखो अपना भी क्या होता है, अभी तो हम बोल दे रहे हैं लेकिन अपना भी क्या होता है कुछ पता नहीं, कौन सा लाइफ कहाँ मोड़ मिलता है, मतलब कहाँ किसकी लाइफ कहाँ जाती है वो तो अपने को भी नहीं पता, अपने को भी नहीं पता कि YouTube में ही अपना ज़िंदगी है कुछ और चीज़ में, वो तो आगे पता चलेगा। तो बस गाइस चलो बाय बाय, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, गुड नाइट।